नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट में लिखिए जय माँ दुर्गा, ताकि माँ दुर्गा की सकारात्मकता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, नवरात्रि का आगमन हो गया है, अर्थात कि नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बाद शारदीय नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है। जगह जगह माँ दुर्गा के पंडाल लगते हैं, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और घर के अंदर भी घट स्थापना और कलश स्थापना आदि की जाती है, ताकि माँ दुर्गा आपके घर के अंदर रहने के लिए आए और माँ दुर्गा का आपके घर के अंदर प्रवेश हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भूल कर भी अगर अपने घर के अंदर घट स्थापना करते हैं या माँ दुर्गा का आगमन अपने घर के अंदर चाहते हैं, आप चाहते हैं माँ दुर्गा आपको मालामाल करें, तो अब माँ दुर्गा के पास भूल कर भी यह 5 चीज़ें नहीं रखें, अन्यथा आपका घर बर्बादी की तरफ चला आता है और आपके ऊपर माँ दुर्गा के ऐसे क्रोध का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आपको कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाती और माँ दुर्गा सदैव आपके ऊपर नाराज रहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, आप चाहते हैं माँ दुर्गा को आपको लाभ प्राप्त हो तो कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर आप घट स्थापना करने वाले होते हैं तो आप अपने घर की पूजा घर में ही करें या पूजा घर के जस्ट पास में कर दें। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, अपने पितरों की तस्वीर के पास या अपने घर की पितरों के जहां आप तस्वीर आदि रखते हैं या पितृ पूजन करते हैं, वहां पर भूल कर भी आपको घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पितर नाराज होने के साथ ही माँ दुर्गा कभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने घर के पूजा घर के पास जहां शौचालय होता है, बाथरूम हो, टॉयलेट हो या फिर किसी प्रकार का आपका स्टोर रूम हो, वहां पर भी आपको घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोष लग सकते हैं और माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी माँ दुर्गा की आप पूजा करने वाले होते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान, बिना स्नान किए या बिना अपना मुंह धोए आपको भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना स्नान किए माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो दोस्तों, देखते ही देखते आपको कंगाली आपके घर के आसपास रहने लग जाएगी और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। इसी तरह विवाहित स्त्रियों से निवेदन है और किसी भी प्रकार की महिलाओं से निवेदन है, अगर आप नवरात्रि का पूजन करने वाले होते हैं और आपको आपके मासिक धर्म से आपको सामना करना पड़ता है, आपके दिन आ जाते हैं, तो आप उसी समय से पूजा छोड़ दें, माँ दुर्गा आपसे भूल कर भी नाराज नहीं होती, बल्कि आप यह पूजा उसके बाद आप किसी भी परिवार के सदस्य के साथ करवा सकते हैं, आप उसके उनको उनका सहारा लीजिए, आप उनको अपनी विधि जो भी है आप बताइए, निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा मिलेगी। और दोस्तों, दूसरा यह है कि विवाहित स्त्रियां, सुहागिन महिलाएं जब भी माँ दुर्गा की पूजा करें, खुले माथे से आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुले माथे से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता और न ही आपको आपके वैवाहिक जीवन का भी फायदा मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो घट स्थापना के समय या माँ दुर्गा के पास नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, वैसे तो दोस्तों माँ दुर्गा को सूर्य की प्रतीक माना जाता है, माँ दुर्गा अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है और वीरता की निशानी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब नवरात्रि के दौरान आप माँ दुर्गा के पास, जिससे आप अपने गंदे शरीर की चीजें काटते हैं, जैसे कि नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं या फिर सब्जी आदि काटने का चाकू आदि होता है, ऐसी नुकेली धारदार चीजें आपको भूल कर भी माँ दुर्गा के पास नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा के आपको क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, माँ दुर्गा की पूजा करते समय नवरात्रि के दिनों के दौरान आप न तो अपने पास या न ही अपने घर के आसपास चमड़े की चीजें रखें, न तो आप माँ दुर्गा की पूजा करते समय बेल्ट पहने और न ही चमड़े का पर्स, बटुआ आदि अपने पास रखने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। इसी तरह दोस्तों, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा को हमेशा से ही पशु प्रेमी
माना जाता है और जहाँ पर पशुओं की सेवा की जाती है वहाँ पर माँ दुर्गा निश्चित तौर पर निवास करती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इन दिनों के दौरान आप चमड़ी की चीज़ें पहनकर कभी भी माँ दुर्गा की पूजा नहीं करें। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो जब आप घट स्थापना करते हैं तो सबसे पहला नियम यही है कि वहाँ पर आपको साफ सफाई आदि रखनी चाहिए। अगर आपके वहाँ पर गंदगी रहती है तो उसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको उसके शुभ फल मिलने की बजाय आपको अशुभ फल और माँ दुर्गा के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ है, जब भी आप घट स्थापना करें, एक तो जो पानी का आप पात्र रखते हैं, तांबे का लोटा या पीतल का लोटा रखते हैं, तो उसके साथ ही आपको दूसरा जल का लोटा जरूर रखना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, प्रतिदिन आपको वह जल का लोटा अब बदल देना चाहिए। अगर आप एक ही लोटे को रखकर भूल जाते हैं तो माँ दुर्गा आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ है, जिस घर के अंदर माँ दुर्गा का आगमन चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, आपने पूजा भी कर ली, अपने घर के अंदर घर स्थापना भी कर दी, लेकिन घर की महिलाओं के साथ आप अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस घर के अंदर आप हमेशा अशांति का माहौल रखते हैं और परिवार के अंदर कभी भी शांति देखने को नहीं मिलती, ऐसे घर के अंदर दोस्तों माता लक्ष्मी आकर भी चली जाती है, माँ दुर्गा उस घर के अंदर आप उसके बाद लाख पूजा कर लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी साक्षात घर की बहू बेटी है, घर की महिलाएँ हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी तरह दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि का पूजन बिना नहाए आपको नहीं करना चाहिए, चाहे परिवार का कोई छोटा बच्चा भी, एक वृद्ध और एक गर्भवती महिलाएं, इन दो के अलावा आप बिना नहाए, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के पास आप कभी भी आप अपने घर का जो भोजन आदि बनाते हैं तो आप घट स्थापना करते हैं उसके बाद जस्ट उस स्थान पर बैठकर आपको भोजन आदि नहीं करना चाहिए, या आप करते हैं तो पहले माँ दुर्गा को आपके घर के अंदर जो भी उन दिनों के दौरान बनता है सबसे पहला भोग माँ दुर्गा को लगाएं और उसके बाद आप सेवन करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर देवी की ऐसी अनोखी कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर परिवार के अंदर फायदा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इन नवरात्रि के दिनों के दौरान अपने घर के अंदर आप भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, ना ही आप बाजार से खाएं, ना ही अपने घर के अंदर ऐसे गलत काम करें। अगर आपने ऐसा किया उसी समय से माँ दुर्गा आपसे नाराज और आपके घर से वह कोसों दूर चले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जहां पर घट स्थापना है वहां पर आपको कूड़ेदान उस एरिया के अंदर अर्थात की उस स्थान पर भूल कर भी नहीं होना चाहिए। जहां पर घट स्थापना है वहां से कूड़ेदान को आप तो पहले हटा दें, उसके बाद इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों या यूं कहे तो कभी भी आप अपने घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। जहां पर ऐसा होता है वहां पर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, माँ दुर्गा भी वहां अपना स्थान छोड़कर चली जाती है, तो रात्रि को जूठे बर्तन और रात्रि को छत पर कपड़े भूल कर भी नहीं सुखाएं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान तो आपको विशेष ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर नवरात्रि के दिनों के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है सबसे पहला नियम यही है, इन दिनों के दौरान ना तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी से ईर्ष्या रखें और ना ही किसी दिनों आप इनसे किसी व्यक्ति से साथ झूठ बोल के या फिर पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं। ऐसा कार्य आपने नवरात्रि या कहे तो अपने जीवन में भी कभी किया तो आप माँ दुर्गा की भक्ति और भूल जाइए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगे, भूल कर भी आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो अगर आप पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि काले कपड़े पहनने के बाद आप माँ दुर्गा की पूजा भूल कर भी नहीं करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें, आप सफेद या काले वस्त्र पहनने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको फल मिलने की बजाय नुकसान हो सकता है और माँ दुर्गा आपसे क्रोधित भी हो सकती है।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सकाले वस्त्र पहनने के बाद माँ दुर्गा की पूजा नहीं करें, ताकि आपको उनका शुभ फल प्राप्त हो और आपको इसका सौभाग्य भी अपने जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, ताकि ऐसा ज्ञान आपको और प्राप्त हो सके। धन्यवाद।